हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. वेलकम टू द TSN ऑनलाइन क्लासेस. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 एंड इट इज द थर्ड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. टुडे टॉपिक इज एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और साइज ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी एक्सेट्रा. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है बेटे जो कि जिसकी की वैल्यू क्वांटिटी और साइज पर डिपेंड करती है. फॉर द एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी. तो ये क्वांटिटी और साइज किसका होगा? सिस्टम का. एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द प्रेशर. इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू टेम्परेचर और टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होती है. सो ये कौन कौन से होंगे? डेंसिटी है, प्रेशर है. तो मतलब कि ये क्वांटिटी और साइज़ के ऊपर डिपेंड नहीं होती. सिस्टम का क्या क्वांटिटी है, क्या उसकी साइज़ है, इसके ऊपर इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं, इन प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू होती हैं, वो डिपेंड नहीं होती. फॉर द एग्जाम्पल टेम्परेचर, डेंसिटी एंड द प्रेशर. अ मोलर प्रॉपर्टी इज द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स ऑफ द सिस्टम, वन मोल ऑफ द सब्सटेंस. इफ एन इज द अमाउंट ऑफ मैटर then xm is equal to x upon n is independent of the amount of the matter. Now heat capacity, we measure heat capacity by the measure of transfer of heat. Heat ka kitna transfer hua hai, isse hum heat capacity ko maap sakte hain. The increase of the temperature is proportional to the heat transfer. Therefore jo टेम्परेचर जो इंक्रीज़ हुआ है इज़ ए प्रोपोर्शनल ऑफ द हीट ट्रांसफर, वो हीट ट्रांसफर के प्रोपोर्शनल होता है. क्यू इज इक्वल टू सी ओ ई डबल एफ एज एक्स इज अ मल्टीप्लाई बाय द टी. यहाँ पर सी जो है वो हीट कैपेसिटी है, क्यू इज इक्वल टू सी डेल टी होता है. तो यहाँ पर जो सी है वो हीट कैपेसिटी होती है. नाउ द नेक्स्ट इज़ द रिलेशन बिटवीन द सी पी एंड द सी वी. सी पी और सी वी में क्या डिफरेंस है? At constant volume, the heat capacity C at a constant volume is denoted by the CV and at constant pressure is denoted by the CP. The relationship between them is as follows. At constant volume, QV is equal to CV del T is equal to del U and at constant pressure, QP is equal to CP del T is equal to del H. तो सी पी डेल टी जो है इसको हम डेल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सी वी एंड द सी पी कैन बी डिराइव्ड फॉर एन आइडल गैस फॉर वन मोल एज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो सी हियर, फॉर वन मोल ऑफ एन आइडल गैस डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल पी वी एंड डेल यू इज इक्वल टू डेल यू प्लस डेल आर टी. सो डेल यू प्लस आर डेल टी. हियर डेल एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस आर डेल टी इज अ मोल आइडियल गैस इक्वेशन. नाउ द सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज वी गेट सी पी डेल टी इज इक्वल टू सी वी डेल टी प्लस आर डेल टी. सो सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर टी. मेजरमेंट ऑफ डेल यू एंड डेल एच. डेल यू और डेल एच का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से होता है? Energy change can be measured with chemical or physical process by an experimental technique called the calorimeter. जो calorimeter है ये एक experimental technique है जिसका कि use chemical or physical process के अंदर किया जाता है energy को measure करने के लिए. In this process a vessel called the calorimeter is immersed in a known volume of a liquid. Knowing the heat capacity of the liquid in which the calorimeter is immersed and the heat capacity of the calorimeter, it is possible to determine the heat evolved by the measuring the temperature changes under two conditions, at constant volume and at constant pressure. तो यदि हम इसकी स्टडी करते हैं डेल यू डेल एच की, तो वहाँ पर वो हमें दो तरीके से करनी होती है, एक तो कॉन्सेंट वॉल्यूम के ऊपर और एक कॉन्सेंट प्रेशर के ऊपर. ये डेल यू का जो मेजरमेंट है वो किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. फॉर डेल यू मेजरमेंट हीट इज़ एब्जॉर्ब एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड इज दिस मेजरमेंट. तो डेल यू जो है उसका मेजरमेंट किया जाता है, हीट जो है वो एब्जॉर्ब की जाती है. हिज स्टील वेसल इज इमर्स इन अ वाटर बाथ. द होल डिवाइस इज कॉल्ड द कैलोरीमीटर. तो कैलोरीमीटर जो है इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है. ये एक स्टील का वेसल होता है.
और इमर्स इन अ वाटर टब बाथ, जो कि वाटर टब के अंदर रखा जाता है, और इस तरीके से जो डेल यू है उसका मेज़रमेंट किया जाता है। नाउ डेल एच मेजरमेंट, तो डेल एच मेजरमेंट वी कैन मेजर हीट चेंज एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर इन अ कैलोरीमीटर बाय द फॉलोइंग टेक्निक। डेल एच का जो वैल्यू है वो हम इस टेक्निक के थ्रू निकाल सकते हैं। वी नो दैट डेल एच इज इक्वल टू क्यू पी एंड देयरफॉर हीट एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड क्यू पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डेल आर एच। इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हीट इज इवॉल्व्ड एंड द सिस्टम इज लॉसेस हीट टू द सराउंडिंग्स। देयरफॉर क्यू पी विल बी नेगेटिव। यदि हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें हीट इवॉल्व होती है और सिस्टम लॉस हीट, सिस्टम से जो हीट है वो लॉस होकर सराउंडिंग में चली जाती है, तो यहाँ पर जो क्यू पी है उसका मान नेगेटिव होता है। सिमिलरली एंडोथर्मिक यदि रिएक्शन होती है तो हीट एब्जॉर्ब की जाती है, यहाँ पर क्यू पी एंड डेल एच जो है इनकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होती है। नाउ एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी चेंज के बारे में बताया गया है कि डेल आर एच ऑफ अ रिएक्शन, रिएक्शन एंथैल्पी इन अ केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर द कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स एंड देयर आर द रिप्रेजेंटेड बाय द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यदि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें जितने भी रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं है ना, उन्हें हम आरओ की जो मार्क है उसके टेल पार्ट में रखते हैं और जो हेड पार्ट है उसके अंदर प्रोडक्ट्स को लिखा जाता है जो कि हमें आफ्टर द केमिकल रिएक्शन प्राप्त होता है। द एंथैल्पी चेंज कम्प्लीटली रिएक्शन इज कॉल्ड द रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्शन। द एंथैल्पी चेंज ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिनोटेड बाय द डेल्टी एच। तो जो एंथैल्पी चेंज है उसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सो डेल एच इज इक्वल टू सम ऑफ द एंथैल्पी ऑफ द प्रोजेक्ट माइनस सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट। यदि हमें डेल एच की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे जो एंथैल्पीज ऑफ प्रोजेक्ट जो होगा, सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द प्रोजेक्ट जो है उसमें से हमें सम ऑफ द एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट को सब्ट्रैक्ट करना होता है। नाउ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, सो इन दैट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन के अंदर बताया गया है कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस अंडर विच इज रिएक्शन इज कैरिड आउट। इट इज देयरफॉर नेसेसरी दैट वी मस्ट स्पेसिफाई सम स्टैंडर्ड कंडीशन। यदि हम स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस की स्टडी करनी होती है। द स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन ऑल द पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस होते हैं जब वो स्टैंडर्ड स्टेज के अंदर होते हैं तो चेंज ऑफ रिएक्शन द एंथैल्पी इज द चेंज फॉर अ रिएक्शन। तो चेंज ऑफ रिएक्शन के लिए चेंज फॉर रिएक्शन के अंदर जब ये चेंजेस होते हैं तब वहाँ पर हम जो जितने भी पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस हैं उनको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में रखते हैं और वहीं पे हमें स्टैंडर्ड एंथैल्पीज की बारे में जो वैल्यूज़ है वो मिलती हैं। द स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ द सब्सटेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर इट्स इज प्योर फ्रॉम वन बार। यदि हम स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ सब्सटेंस के स्पेसिफाइड टेम्परेचर की बात करें तो वह वन बार लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ द लिक्विड एथेनॉल एट 298 केल्विन इज प्योर लिक्विड इथेनॉल एट वन बार। स्टैंडर्ड स्टेज ऑफ द सॉलिड आयरन एट द 500 केल्विन इज प्योर आयरन एट वन बार। वी डिनोट स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन एज डेल एच हैश। तो जो डेल एच हैश है उससे हम लोग इसे शो करते हैं और यहाँ पर बताया गया है कि जो एग्जांपल हम लोग लिए हैं वो कुछ स्टैंडर्ड स्टेज के लिए हैं कि उस वक्त जो सॉलिड आयरन है उसका कितना जो है टेम्परेचर है वो होता है। नाउ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन की यदि हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे जो एंथैल्पी चेंजेस होते हैं फेज ट्रांसफॉर्मेशंस आल्सो इन्वॉल्व एनर्जी चेंज इन अ शॉर्ट इन अ रिक्वायर्ड हीट ऑफ द ड्यूरिंग एक्शन। फॉर एग्जांपल आइस फॉर मेल्टिंग इनटू द वाटर। यदि आइस जो है वो वाटर के अंदर मेल्ट होती है तो उस समय के अंदर जो फेजेस ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो क्या है कि सॉलिड से लिक्विड स्टेज के अंदर चेंजेस होते हैं और जो एनर्जी है वो 6 kJ/mol जो है वो यहाँ पर उसकी वैल्यू होती है। द एंथैल्पी चेंज द एकम्पनीज मेल्टिंग ऑफ द वन मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेज इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन और मोलर एंथैल्पी ऑफ द फ्यूजन। नाउ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ऑफ द वेपराइज वन मोल ऑफ द लिक्विड एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड द अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर
1 bar is called the standard enthalpy of the vaporization or molar enthalpy of the vaporization. तो यदि हम molar enthalpy of the vaporization की बात करते हैं तो वो बताता है कि the amount of the heat is required to vaporize 1 mole of a liquid as a constant temperature under standard pressure. या एक 1 mole liquid है जिसपे कि हमने जो प्रेशर है वो भी कांस्टेंट रख रखा है, जो टेम्परेचर है वो भी हमने कांस्टेंट रखा है, तो इस समय जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहलाएगा और मोलर एंथैल्पी ऑफ द वेपोराइजेशन के नाम से भी उसको हम लोग जानते हैं. एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द डेल VAPH. स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द सबमिशन इज द चेंज इन द एंथैल्पी व्हेन 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस सबलाइज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड द अंडर स्टैंडर्ड प्रेशर. Now it is denoted by the del SUB and H sub. Now standard enthalpy of formation के बारे में यहाँ बताया गया है कि the standard enthalpy change by the formation of the 1 mole of a compound from its element in their most stable stage of the ignition is called the standard molar enthalpy of the formation and is denoted by the del FH. So it is a third part is completed. Now next chapter the next part of this chapter I will be explain to you the next part of the video. Thank you very much students.